की पाठशाला। दोस्तों, क्या आप जानते हो, एक वायरस जो चीन से आया था, अब वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस वायरस की वजह से बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं। पर डरिए मत, क्योंकि इस वायरस से बचने और सुरक्षित रहने के तरीके बहुत ही आसान हैं। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। अपने शरीर को साफ रखें, खुद को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। नंबर एक, अगर किसी को सर्दी खांसी या बुखार हो तो उनसे दूरी बनाकर रखें और उन्हें फौरन डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाने की सलाह दें, क्योंकि यही अच्छे दोस्तों का फर्ज है। नंबर दो, जब आप स्कूल से घर आएं या बाहर दोस्तों के साथ खेल कर आएं, तो अपने हाथ गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह धोएं, क्योंकि साफ हाथ आपको रखे सेहतमंद। नंबर तीन, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छे से धो लें, क्योंकि साफ और अच्छा खाना आपको ताकतवर बनाता है। नंबर चार, बाहर जाते वक्त हमेशा मास्क लगाएं और अपने दोस्तों को भी मास्क लगाने की सलाह दें, क्योंकि इससे गंदे जर्म्स हमारे शरीर में नहीं घुस पाते। नंबर पाँच, जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी छींक या खांसी आए तो हमें अपना मुंह और नाक रुमाल या पेपर नैपकिन से ढकना चाहिए और कहना चाहिए एक्सक्यूज मी, और इस्तेमाल के बाद अपने नैपकिन को कूड़ेदान में फेंकना ना भूलें। नंबर छह, जहाँ तक हो अपने घर में ही समय बिताएं, ताकि गंदे जर्म्स आपके घर में ना घुस पाएं। घर के अंदर ही आप कई मजेदार खेल खेल सकते हैं, अपनी मनपसंद किताब पढ़ें या ड्राइंग और पेंटिंग करें। क्या पता आप अपने अंदर के छिपे हुनर को पहचान लें। ये लेकिन इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हमें अपने शरीर को भी मजबूत बनाना है, और ये हम कैसे करेंगे? ताजे और सेहतमंद फल और सब्जियाँ खाकर, रोजाना एक्सरसाइज करके और साथ ही समय पर सोने से। इस तरह हम तैयार होंगे बीमारी वाले गंदे जर्म्स और वायरस से लड़ने के लिए। इसलिए अपना, अपने दोस्तों और अपने परिवार का ख्याल रखें, ताकि हम सब रहें फिट और बीमारियों से दूर। आपका दिन अच्छा रहे। आज हमने एनी और वेल्थ की पाठशाला के चैनल में जो सीखा, उसमें बहुत मजा आया।